कुछ टाइम पे यहाँ पे जिसका भी राज रहेगा वो इधर से अंदर जाते थे और यहाँ पे ऊपर आके बैठते थे। मैं तुम्हारे भाई ने एंट्री लाल के लिए अंदर नहीं जाने देंगे सर, अंदर अंदर नहीं जाने देते, फोर्ट में जाए वो बात है, देखो फरीदिया था। तो भाई रेड फोर्ट में हमारी एंट्री हो चुकी है, अंदर आना चाहिए थे। यहाँ पे कुछ काम वाम चल रहा है, आर्मी वगैरह खड़ी है। ये नकली है, असली नहीं है। ये लाल किले के अंदर का मार्केट है, वहाँ से अंदर घुसोगे, यहाँ से बाहर निकलोगे, फिर सामने जस्ट म्यूजियम है। इस म्यूजियम की टिकट बाहर से ही मिलेगी, पर जैसे ऑनलाइन लेना अगर वैसे लोगे ऑफलाइन तो आपको महंगा पड़ेगा, ऑनलाइन में आपको फ़ायदा होगा, काफ़ी सस्ती पड़ेगी, काफ़ी मंजे काफ़ी घुमा दिया रेड फोर्ट में। यहाँ आना नहीं था, फिर यहाँ लेके आ गए। अब कहते हैं यहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो, वहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से निकलने का। यहाँ पर हमको जाना ही नहीं था, हमको जाना था दूसरी जगह पर। ये बाहर जो काउंटर पर टिकट मिलती थी वो इसकी नहीं थी, ये अंदर को लाइव शो चल रहा है और फलाना ढिमकाना उसकी टिकट थी, यहाँ तो ऑफलाइन मिलती है। वो म्यूजियम वहाँ पे शायद, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, अब शायद म्यूजियम यही है। वहाँ तो लिखा था कैफेटेरिया, आज कैफेटेरिया आगे रहेगा और इस साइड ये म्यूजियम है, म्यूजियम भी दिख रहा है। म्यूजियम के अंदर एंट्री हो चुकी है, आप देख लेना समझ लेना। क्या भाई ये म्यूजियम है, सब लिखा हुआ है इंडिया। क्या है भाई, अच्छा अंदर रहेगा अभी तो। ये किस तरह अंदर आए थे वो सारा लिखा हुआ अंदर, पढ़ लेना जो भी है आपको लगे तो। मेरे को तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ये है वापस, वहाँ से निकल के यहाँ से एंट्री। ओए चलो दिल्ली, जब आए थे ये क्या पता गए थे। ओहो पुरानी बंदूक है, हेरा फेरी वाली बंदूक है। ये इतना खास वाला कोई सीन है नहीं देखने लायक, खाली पुराने हथियार पड़े और ये स्टोरियाँ लिखी हुई है जिसको हमको कोई बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं। और ये देखो ये तोप के बोले ऐसे ऐसे देखे तो समझ में आ रहा है, गोला तोप रहा दे यार। ये पूछ रहा है क्या है, वो गाय ने गोबर कर दिया वहाँ पे गुल गुल। और ये उनके कपड़े, ये राजा बहादुर शाह के कपड़े और ये उनके बेगम के, मतलब कुछ नहीं नीचे वाला ये है और इनका ये पूरे पोशाक जैसा कुछ है बस ये। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आने का आपका काम ही नहीं है, सारा लिखा हुआ कौन पढ़ेगा इतना। तो और एक भी नहीं बना, तो और देखने लायक यहाँ पे इतना कुछ है ही नहीं, तो नहीं आओ तो सही है। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में जानने का शौक है तो आप यहाँ पे आ सकते हो और ये सारा पढ़ सकते हो, इतना सारा हर रूम में इतने बड़े बड़े चिट्ठे लिखे हुए, कैसे आए थे, कैसे गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यही था जो था अपना साथ, टाटा। मतलब कुल मिला के ऐसा सीन है कि अंदर से पढ़ना 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 और पढ़ना आपके भाई को पसंद है नहीं, तो अगर आपको पढ़ने का शौक है हिस्ट्री के बारे में तो आप यहाँ आ सकते हो, देखने के लायक अंदर कुछ नहीं है, वरना कुछ नहीं है अंदर कुछ नहीं है। देखो हमने सिर्फ किसी के व्लॉग में देखा था, आज ऐसे देख भी लिया पानी पीना कैसे और एक्सपीरियंस भी ले ही लेते हैं। बहुत बुरा एक्सपीरियंस है यहाँ पे पानी पीने का, पानी नहीं पिया जा रहा। बस यही था
जहाँ पर हम बैठे वहाँ से फव्वारा आना चाहिए था पानी का, वो तो बंद पड़ा है, अब क्या पता कैसे आएगा। तो हम पाँव धोने के लिए उसके अंदर पाँव लटका के बैठे हैं। पप्पी ने एक पाँव डाल रखा है अंदर, सूज हमारे अंदर ही धुल रहे हैं। और यहाँ पे इनका कुछ उस टाइम पे नाच गाना होता रहेगा या पता क्या है, उन्हें को कुछ नहीं पता, बजा के बैठे हैं। और वहाँ पे सामने क्या है वो भी नहीं पता है। तो बस ये है यहाँ पर उस टाइम पे, यहाँ पे जिसका भी राज रहेगा वो इधर से अंदर जाते थे और यहाँ पे ऊपर आके बैठते थे। और यहाँ पे इनका कुछ भी वो लगता रहेगा, जो भी लगना रहेगा, सभा वभा मीटिंग बैठती थी। ये दो दरवाजे थे ये बंद कर दिए गए और ये दो खुले हैं जहाँ से अभी अंदर जा सकते हैं, पर अपने नहीं जा सकते और ना आप जा सकते हैं। जब मैं बड़ा आदमी हो जाऊँगा तब जाऊँगा अंदर एयरपोर्ट को। अंदर से टाटा बाय बाय निकलते बाहर, अभी बहुत थक गया तो भाई अभी वापस जाएंगे मेट्रो और जाएंगे पुराना किला से स्टेडियम इधर। इतने टाइम तो समझ में नहीं आता कौन सा है कौन सा नहीं। ऐसे रे हाँ ऐसे निकल 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 आगे निकल। तो अभी पहुंच गए हम सुप्रीम कोर्ट स्टेशन के पास और अब यहाँ से जाएंगे पुराना किला। हमने हमारा ऑटो ले लिया फिर से और अब जा रहे हैं पुराना किला और जू साइड देखेंगे। टिकट खिड़की से टिकट लो ना लो, यहाँ से स्कैन करो तो आपको मतलब सस्ता पड़ेगा। लो भाई लोगों रेड पुराना किला पे देख लो कैसा है। अभी मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाने का कहाँ नहीं जाने का, जितना जाने जा पा रहा हूँ मैं उतना दिखा रहा हूँ कि शूज नए नए हैं तो भी पाँव में लगने लग गए, काट रहे अपने पाँव को। और यहाँ तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा मेरे को। वहाँ से एंट्री की थी, यहाँ से घूम के ऐसा गए, ये अपना इंडियन फ्लैग लगाए, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे यहाँ पे पुराना किला। और वहाँ पे क्या वो नहीं पता, वो आपको बाद में दिखाएंगे। तो दिखाने जैसा हुआ तो गेट लग रहा कोई एग्जिट लग तो वैसे ही रहा। इतना वहाँ से ऐसे घूम के नहीं आने का है, सीधा यहाँ से ये वाली गोल वोल फांदो और अंदर आ जाओ। ये पुराना किला एक यहाँ पे अंदर गया, अच्छा अंदर कुछ नहीं है, मेरे को लगा अंदर जाने का रास्ता है। कुछ लिखा हुआ है, इसको उठा और इस अग्निकुंड में फेंक दे। चार दीवारों पे किला कैसे बन गया, नीचे अंडरग्राउंड है पूरा। भाई हम गोश्त हंटिंग करने आए हैं यहाँ पे, अभी विशाल व्लॉग नाम हट रहा है, अभी गोश्त हंटर आएगा गोश्त हंटिंग। और ये भूत भूत हैप्पी भूत 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 क्या है अंदर, चॉकलेट नहीं है बेटा। गोश्त हंटिंग ओ गुमनाम है कोई। हाँ हाँ विंसेंट है मेरे को पता है, इधर सुन। ओ भाई तो पता नहीं, यहाँ पे नीचे गुफा है, इस बार तो हंटिंग करेंगे, यहाँ पे बड़ी जगह है। इसमें साफ दिख रहा हूँ, कुछ नहीं दिख रहा अंदर, यहाँ पे क्या है। रास्ता बंद है भाई, आगे वापस घूम के चल 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 भूतों के पास है। शूज के चक्कर में आपको कुछ दिखाया ही नहीं, ये देखो अभी ये लास्ट, मैंने आपको वहाँ से आते हुए मैंने आपको दिखाया था और अभी ये लास्ट है ओल्ड फोर्ट पुराना किला जो भी है। ऊपर जा नहीं सकते, सारे बंद कर रखे हैं गेट। यहाँ से भी बाहर टाटा ओल्ड फोर्ट पुराना किला जाएंगे इंडिया गेट। फोन बिल्कुल चार्ज नहीं था मेरा, तो अभी हम होटल रूम पे आए थे और अभी वापस बस स्टैंड आए इंडिया गेट के लिए। और लगता है ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अगर ये लंबा हुआ तो बाकी का कल। वहाँ आपको सीधी एंट्री नहीं मिलेगी, इस गार्डन में आना पड़ेगा, गार्डन से अंडरग्राउंड पास है, यहाँ से जाके फिर आपको इंडिया गेट दिखेगा। अंदर वहाँ से एंट्री करते सीधा इतना प्यारा लुक आएगा।
वहां से टनल से बाहर निकलते ही आपको सामने इंडिया गेट दिखेगा। ये लो देख लो इंडिया गेट, यहाँ कोई नहीं। ये भी देख लो, अभी नाइट में सच दिखेगा। पीछे इतना कुछ है नहीं, इनको देखने बेचारा कोई नहीं आ रहा, सब वहाँ पे भीड़ है। तो अपने वहीं पे चलते हैं, वहाँ पे छोटा सा फाउंटेन है और कुछ नहीं है, बस सारी भीड़ इसी के आसपास है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ पर ये फाउंटेन और यहाँ पर ये गेट और ये पब्लिक, इतना कुछ खास नहीं है, खाली गेट देखने के लिए आ सकते हो पर इतना कुछ खास नहीं है। चलो भाई टाटा, और आपको भी टाटा, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे आपके लाइक आने, अगर आपको